साईं राम, जय साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। टीम साईं पूजा की ओर से साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम बाबा की लघु कथा में श्रवण करेंगे नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंग रखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दास कनू उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे। बाबा ने उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। ओम साईं राम, जय साईं राम। आगे हम और भी लघु कथाएँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें साईं पूजा चैनल के साथ। ओम साईं राम, जय साईं राम।